भाजपा वाले कह रहे हैं कि यह तो कानूनी तौर पर दी है। तो भाजपा के सीनियर आगू हरजीत गरेवाल जिहड़े पंजाब दे विच लगातार जिहड़े है वह भाजपा का एक चेहरा बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि फरलो देना ते उस दे नाल जेड सिक्योरिटी देना, जेड प्लस सिक्योरिटी देना यह बिल्कुल जायज़ है, ये उन्होंने कहना है। उन्होंने कहा कि राम रहीम नूं कानून के मुताबिक ही सुरक्षा दी गई है, इस हरियाणा सरकार की किसी तरह की कोई सियासत नहीं है। गल ये है कि फरलो एक दिन तो मिली नहीं, जो कैदी जो बंदी जेल के अंदर 3 साल तो वध समा बिता लवे उस तो बाद फरलो मिलती है, उन्हें 4 साल बिताए और फिर देखते हैं कि शांति भंग ना हो। एजेंसिया ने अपनी रिपोर्ट देने लिए अलग अलग प्रशासनिक लैवल से जो जो रिपोर्ट्स लिया जाने उन्होंने भी 1 साल तो वध समा लगाया, तो उस तो बाद उन्होंने फरलो मिली है। और जेड प्लस तो हूँ कोई भी जिन्हों थ्रेट परसैप्शन हों व्यक्ति उसनों दिती जाती है, उस लैवल की सिक्योरिटी दिती जाती है देख के, तो किसी को यह थोड़ा कि आतंकवादियों के मारन लिए छड़ दिता जाता, खालिस्तानियों के मारन लिए उन्होंने खतरा हैगा, थ्रेट परसैप्शन है, इस वजह करके मिली है। मेरा ख्याल इतने किंतु परंतु करना ठीक नहीं।